कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलैतर का, जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बूढ़ गई तरका। बाचत भेद वेद भेद नहीं जाने, बातों में रहत अटका। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुई नख में जगत अटका। कोई हरिजन मिटावे हमार खटका। सद्गुरु कबीर के वाणी है खटका। संदेह चिंता आशंका हमारे मन में पैदा होता है, लेकिन उसका समाधान हम खुद नहीं कर पाते हैं। समाधान के लिए गुरु और संतों के सहारा लेते हैं। गुरु विवेकवान विचारवान पारखी हो, विवेकी हो, वो ही परख करके हमारे खटका को मिटा सकता है, संदेह को मिटा सकते। कोई हरिजन गुरुजन मिटावे हमार खटका। कौन से खटका है, कौन से आशंका चिंता है? वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलैतर का। एक वृक्ष है, ना वो धरती से पैदा हुआ है, ना ही आकाश से उतरा है, और वो वृक्ष का जड़ ऊपर है। पलई पलई कहते हैं डारा शाखा को, तना को। तना है डारा शाखा है, नीचे की वो लटका है, नीचे की वो लटका है। जैसे ये वृक्ष है, जड़ कहाँ है आप लोग देख रहे हैं, ऊपर है। इसके डारा शाखा पलई सब नीचे की ओर है। ये पुस्तक का नाम है कबीर की उलटवासी, उलटवासियां ही उलटवासियां हैं। इसमें ये पद है। सद्गुरु कबीर कहते हैं वृक्ष एक अधर में जामा, न धरती से पैदा हुआ है, न ऊपर आकाश से उतरा है। अधर वो वृक्ष कौन है? ये हम सब का मानव तन है, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है। ये अधर में जामा है। ये वृक्ष कैसा है? चलता फिरता है, भ्रमण करता है, धरती और आकाश के बीच में। आकाश में भी उड़ जाता है और धरती में भी चलता है, फिरता है। अधर में जामा, जड़ ऊपर पलैतर का। इसका जड़ कहाँ है? ऊपर है, और डारा शाखा नीचे की ओर है। जड़
मानव की मस्तिष्क है, मानव की मस्तिष्क जो कुछ भी हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उसी के अनुसार से इशारा डारा शाखा इंद्रियां काम करती है। इंद्रियां पलई डारा शाखा इंद्रियां काम करती है। मन मस्तिष्क यदि शांत हो जाए, ये डारा शाखा इंद्रियां बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सोच लूं, निश्चय कर लूं, इंद्रियों में कोई भी लहर पैदा नहीं होगी, उत्तेजना नहीं होगी, अपने आप पर काबू, अपने आप पर संयम मनुष्य कर ले, कोई उसे गलत कर्मों की ओर प्रेरित नहीं कर सकता है, निश्चय कर ले तो, सोच ले मुझे यहां से जाना ही नहीं है, सोच लू मैं मुझे कुछ खाना ही नहीं है, कोई खिला नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता है, किससे सोचता है, कौन सोचता है, सोचने वाला कौन है, वो है सबके घट में विराजमान आत्मा है, उसका ज्ञान हो जाए। और आत्मा किससे सोचता है, मन मस्तिष्क से सोचता है, वो जड़ कहाँ है, ऊपर है, मस्तिष्क ऊपर है, आत्मा सोचने वाला है, उसका साधन सोचने का मन मस्तिष्क है, सोचता है, जैसे सोचोगे वैसे मुख से वाणी बोलोगे, अच्छा सोचोगे अच्छे वाणी का उच्चारण करोगे, गलत सोचोगे गलत वाणी का उच्चारण करोगे, अच्छा सोचोगे अच्छा बोलोगे, अच्छा इंद्रियों से करोगे, अच्छे इंद्रियों से करोगे। जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ के पत्ता है, जरा भी हवा, अभी हवा पता नहीं चल रहा है, ये आम वगैरह में पता नहीं चलता है कि हवा चल रहा है उसके पत्ता में, लेकिन आप पीपल के पत्ते में जाके देखो, पीपल के पेड़ में वो डगमग डगमग करता ही होगा, उसके लिए स्थिर वायु भी बहुत है, लेकिन जरा चंचल वायु शुरू हो जाए तो खूब तेजी से हवा और आवाज के साथ उसमें चंचलता बढ़ती जाएगी, किसमें, पीपल के पेड़ में। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क से जैसे ही हम सोचेंगे, चिंता फिकर राग द्वेष कलह कल्पना विषय विकारों का, उतना हमारा चित्त चंचल बहुत बनता जाएगा और इंद्रियां सब कंपित होती जाएगी, कंपायमान होती जाएगी, उतना ही हमारा असाध्य असाध्य बीमारियां भी आएगी। सोच लो, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप लोग सर्जन भी हैं, अपने जितने भी व्याधि हैं सारे व्याधियों का आप सर्जन बन सकते, कारण कहां पर है, मैंने क्या किया है कि इसके कारण से ये व्याधि आई है। गहन अध्ययन में आप बैठिए, चिंतन में बैठिए, तो आज आपने कुछ भी नहीं किया है,
लेकिन बहुत कुछ कर चुके हैं जिसके कारण से आज की कहानी प्रेरक कहानी अनुभव का आता रहता है मोबाइल में प्रेरक कहानी के नाम से। आज की कहानी में पढ़ा उसमें दिया कल कि दो भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई को 3 लाख रुपया दिया, 3 लाख रुपया दिया और कहा कि इससे तुम अपना व्यापार बढ़ा लो, व्यापार कर लो। छोटा भाई का व्यापार खूब चला, खूब धन कमाया, लेकिन बड़ा भाई का पैसा वापस नहीं किया। जब पैसा वापस नहीं किया, धनवान तो हो गया, तो बड़ा भाई उससे कहा, फिर भी अनसुनी कर दिया, धन मद में हो गया, नहीं दिया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, राग द्वेष धन को लेकर के, कटाकटी भी शुरू हो गया। और बड़ा भाई साधक भी था, साधना भी करता था। अब छोटे भाई के 15 साल बीत गया, आना जाना बंद हो गया। छोटा भाई के पास एक संत मिले, बड़ा भाई सत्संगी था, उन्होंने संत के पास गया, संत से निवेदन किया, मेरा छोटा भाई 15 साल हो गया, उसे मैं व्यापार करने के लिए पैसा दिया था 3 लाख, आज तक से वापस नहीं किया, और हमारा उनका बढ़ता ही जा रहा है राग द्वेष कलह, मेरे मन में भी चिंताएं बढ़ रही है। मैंने कई का सहारा लिया है, कईयों का, फिर भी उन्होंने वापस नहीं किया। संत कहते हैं एक झगड़ा मिटाना है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप कुछ मिठाइयाँ ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए, और मिठाई और फल लेकर के अपना छोटा भाई के पास जाएं और माफी मांग लीजिए। बड़ा भाई सोचता है, मैं हूं तो बड़ा और मैंने ही पैसा दिया है, मैं कौन से अपराध किया हूं छोटा भाई का जो कि मैं उनके पास जाकर के माफी मांगू? नहीं हो सकता है। संत ने कहा, एक बार जाना है आपको और माफी मांगना है। अब संत के आदेश पाया, अब जाना मजबूरी है। मजबूरी समझ करके बड़ा भाई मिठाई लिया बढ़िया सा और फल भी लिया। रात्रि के 10 बजे छोटा भाई के दरवाजे में जाता, दरवाजा बंद था, बंद था, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने के लिए उसके भतीजा आया। भतीजा आ करके देखा, ताऊ आया है, ताऊ आया है। वो दौड़ करके मम्मी और पापा को बताता है कि पापा मम्मी ताऊ आया है। सब गदगद होकर के आश्चर्य से देखते हैं, कैसे आया इतने दिन के बाद, फिर भी आश्चर्य से देखते हैं। तो ताऊ दरवाजा खोला तो अंदर गया, रात्रि के 10 बज चुका था। छोटा भाई और उसके पत्नी दोनों सामने आए और बड़ा भाई तुरंत मिठाई और फल दे करके कहता है, क्षमा कर देना, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। छोटा भाई कहते हैं, आप कैसे कहते हैं, भूल तो मुझसे हुई है और आप बड़े हैं, अब बड़े होकर की क्षमा मांग रहे हैं? नहीं, मैंने बहुत अपराध किया है, आपके बारे में
बहुत प्रचार किया, मेरा पैसा नहीं लौटा रहे हैं, वो दुष्ट है, मूर्ख है, बहुत कुछ कह चुका हूँ, क्षमा कर देना। छोटा भाई और उसकी पत्नी बच्चे सब रोने लगे, भैया आप क्या कह रहे हैं, भूल तो हमसे हुई है। तुरंत जाता है, गोदरेज खोलता है, 3 लाख नहीं 5 लाख रुपए ला करके दे देता है, बड़ा भाई के चरणों में रखता है और क्षमा मांगता है, रोता है, इधर भी रोता है उधर भी रोता है, बड़ा भाई भी रोता है। इतने में सारा रुपया को, ये रुपया को मैं रख नहीं सकता हूँ, छोटा भाई कहता है मैं भी नहीं रख सकता हूँ, ये रुपया आपका है। बड़ा भाई उस रुपया को अब भतीजा में, भतीजी में, बहू को और भाई को, सबको बांट देता है, मैं पुरस्कार में दे रहा हूं, क्षमा कर देना। ये क्षमा है। संत के पास ना गए होते तो दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, ये बड़ा भाई के पास नहीं आता और कभी भी जिंदगी में छोटा भाई के पास नहीं मिल सकता। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। सत्संग वह शस्त्र है जो टूटे हुए को भी जोड़ देता है, इसलिए इस सत्संग है। सत्संग उसी लिए किया जाता है, कोई हरिजन मिटावे हमार खटका, वृक्ष एक अधर में जामा, जड़ ऊपर पलैतर का, जड़ ऊपर है। हम अपने को समझने की कोशिश करें, मैं कौन हूं, अपने को हम जानते नहीं हैं। मेरा क्या है, ये धन जन आश्रम को मैं मेरा मान लिया हूं, क्या ये मेरा है, ये आश्रम मेरा है, नहीं, ये मुसाफिर खाना है, आप सबका है। इतना जो हो रहा है मैं कुछ भी नहीं करता हूं, आप सबके सहयोग से हो रहा है, ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने की काबिल, जो हुआ गुरु कृपा और भक्तों के सहयोग से ये सब हो रहा है। एक दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएगा, क्या मेरा मेरे साथ में जाएगा ये आश्रम, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, धन भी मेरा नहीं है, न जन भी मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, न कोई तुम्हारा, ना तुम हो किसी के, ये 2 दिन का जीवन और 2 दिन का मेला, इसलिए मुझे निर्मोहता को प्राप्त करना है। ये किससे सोचना है, मन मस्तिष्क से आत्मा को सोचना है, और सबके अंदर में आत्मा है, तो आत्मा से मैं इस प्रकार से सोचूंगा, ये पलई, ये इंद्रिया नीचे लटकी हुई है, इससे गलत कर्म कभी नहीं हो सकता है, गलत रास्ता में कभी जा नहीं सकता है, ये इंद्रिया नीचे लटकी हुई है, आंख नीचे की ओर, कान शब्द, नाक से गंध, जीभ से रस, त्वचा से स्पर्श, 5ों विषय का अनुभव किससे होता है, ये इंद्रियों से, और विषय जड़ का है, जड़ 5 तत्वों का है, 5 तत्वों का 5 विषय है, और उसको जानकारी के लिए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर है, बाहर है, लेकिन आत्मा अंदर हृदय स्थल में विराजमान है, वो उसका जड़ कहाँ है, मन मस्तिष्क से। यदि हम, यदि आप सब जन्म और मरण से बचना चाहते हैं, अपने आत्मा को जाने और मन मस्तिष्क से अच्छा सोचे, अच्छा करें, इंद्रियों से, वाणी से अच्छा बोलें, ये क्या है, कौन है तुम्हारा, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, चिंतन करें। ये सब माया अभी हम लोग शुरू में भक्तवर श्री तुलसी राम जी से सुना, ये सब माया का बाजार है,
माया है और यहीं से मिला है, जन्म हुआ, जन्म लेते ही ये शरीर मिला, आत्मा का माता पिता मिले, धन संपत्ति मिले, दादी दादा भाई बहन मिले, सब कुछ मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आज मेरे न दादी है न दादा है, न माता पिता है, न चाची चाचा है, न भाई बहन है, सब छूट गया, अकेला आया हूँ, आज अकेला हूँ और एक दिन अकेला ही मेरे आत्मा ये तन को भी छोड़ करके चले जाएगा, तन को भी लेने जाएगा। और ये तन को मैं कहता हूँ मेरा है, मेरा कहाँ है, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नहीं तेरा, भूले हुए लोग कहते हैं मेरा है मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, न कोई है, ये पांच तत्व का पुत्रा ये शरीर है, मानव तन है, ये माँ बाप के एक बूंद से कर्मे आत्मा जाता है माँ के गर्भ में और शरीर का निर्माण शुरू होता है। कहाँ होता है, उस माँ के गर्भ में, गर्भ में कहाँ पर जगह है, आप खोज करके डॉक्टरों से पूछ करके पता लगाइए, कुछ भी जगह होगा। इतने बड़े शरीर को निर्माण करने के लिए कुछ भी नहीं, एक बूंद से निर्माण शुरू होता है और 3 किलो 4 किलो का शरीर बन जाता है। कहाँ पर, हड्डी मांस मल मूत्रों से माँ के गर्भ भरा हुआ है, वही बनता है, वही ये चेतन जीव का पड़ाव होता है। इस शरीर में देख लीजिए, इस शरीर के रखने के लिए जैसे एक कमरा है, जिस कमरा में मैं रहता हूं आप लोग रहते हैं, उस कमरा में आप लोग रहते हैं, मल मूत्र हड्डी मांस रक्त गोबर कीचड़ सब कुछ भर दे, ठसा ठस भर दे और कोई आदमी आकर के मुझे ठेल दे और दरवाजा बंद कर दे, मेरा मन होगा कोई है निकाल दो भाई निकाल दो, यहां घुटन हो रहा है, मैं नहीं रह सकता हूं। इस तन ये शरीर है उस कमरा में रह नहीं सकता है, लेकिन मैं कहने वाला आत्मा इस शरीर में पड़ा है। इस शरीर में क्या भरा है देख लीजिए, कौन सा अच्छा चीज है शरीर के अंदर में, दसों द्वार नरक भरे बूढ़े तो गंदी को बेड़ो, ये गंदी के जहाज है और दसों दरवाजे से नरक ही नरक निकल रहा है, नरक ही नरक बह रहा है, कहीं भी ठिकाना नहीं। ऐसे ये शरीर में ये आत्मा का पड़ाव है। अब विचार करो, विचार करो, ऐसे शरीर क्या आप अब फिर से चाहेंगे, कभी नहीं। इसलिए यदि नहीं चाहते हैं तो 4 आश्रम है और 4 फल है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम है। 4 आश्रम के अनुसार यदि इंसान चले, किसी को नहीं कहा जाता है कि तुम घर छोड़कर के संन्यास ले लो, परिवार छोड़कर, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। 4 आश्रम है, विधिवत नियम के पूर्वक यदि आप चलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम पार कर चुके, माता पिता ने कहा कि बेटा बेटी अब तुम्हारा वैवाहिक बंधन हो जाए, जिस रास्ता हम लोग चल रहे तुम्हारा भी हो जाए, धन जनसे के विकास करना और लोक पर लोक की कमाई करना, माता पिता ने हमें गृहस्थ आश्रम में लगा दिया, अच्छा हुआ गृहस्थ आश्रम में आ गए, पति पत्नी मिल करके वृद्धों की सेवा, प्यार बच्चों से, आनंद महकेगा गुलाब के गुच्छों में, आए अतिथि संत गुरु का सत्कार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है, स्वर्ग है जहां पर दुख का अंत है, हरदम ही रहता ऋतु बसंत है, निर्मल मन मोक्ष का खुला द्वार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है,
जीवन का लक्ष्य जहां भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट करना व्यवहार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार समाज कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। वरना दुखिया सब संसार है, धरती में स्वर्ग का वो द्वार है। आप विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम को निभाइए, विधि पूर्वक वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों की करते हुए, आए अतिथि संत गुरु का सत्कार करते हुए विधिवत धन का लोभ न करिए, परिवार का मोह न करिए और विधिवत जीवन बिताइए। इस प्रकार से करते करते आपका बेटा और बहू घर में उपस्थित है, नाती और नतनी भी आ गया, तो आप उनको संपूर्ण भार दे दीजिए। बेटा अब तुम्हारा है, सारा संपत्ति तुम्हारा है, सारा रिश्ते नाते जन धन का रक्षा करना तुम्हारा हाथ में है। अब मुझे भजन चाहिए, तो माता पिता वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जीए। जब माता पिता वानप्रस्थ आश्रम में रह करके अपना साधना पक्का कर लेता है, पक्का हो गया, तो पिता कहता है बेटा अब तुम्हारी माँ की रक्षा करूं, मैं अब गुरु के शरण में जाता हूँ और आत्मज्ञानी गुरुओं के पास रह करके आत्मज्ञान प्राप्त कर अब मुझे शांति चाहिए और तुम्हारी माँ का रक्षा तुम लोग करो। भजन सत्संग सेवा करते हुए तुम भी अपना कल्याण करो। इस प्रकार से संन्यास आश्रम में चले जाता है। जैसे राजा, जैसे गुरु वशिष्ठ, गुरु याज्ञवल्क्य है, राजा जनक जैसे बहुतों को गुरु होकर के अपने धन और जन को सौंप करके सदा के लिए संन्यास ले लेता है, 60 साल के ऊपर हो नहीं पाए, तो उसी प्रकार से हम दिल से सोचे, मस्तिष्क से विचार करें, चिंतन करें और इंद्रियों को कंपायमान न होने दें, अच्छे गति से हम काम लें। तो वृक्ष एक अधर में जामा, तर ऊपर पलैत, जड़ ऊपर पलैतर का, जल ऊपर नौका उतराने, जल ऊपर लोहा उतराने, लौकी बूढ़ गई तर का। ये कब होगा? जल के ऊपर में लोहा तैरता है, क्या लोहा तैरेगा जल के ऊपर में? नहीं। और लौकी बूढ़ गई तर का, लौकी सूखी लड़की लौकी है, वो पानी में डूब गया, वो क्या है? जिसके जीवन में, जिसके जीवन में माया ही माया दिखाई देता है, प्राणी और पदार्थ पांचों विषय के पदार्थ ही सत्य मानता है, वो कौन मानता है? जिसके जीवन जड़ बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है, वो माया को श्रेय देता है, प्राणी पदार्थों को धन संपत्ति को जड़ श्रेय देता है, वो ऊपर ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर में क्या तैरेगा? जड़ बुद्धि की लोहा ही तैरेगा, माया ही में तैरेगा। लेकिन लौकी जिसके पास शुद्ध बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि है, वो निरंतर चिंतन की गहराई में डूबता है और चिंतन की धारा में डूब करके वह आत्मा ज्ञान की मोती पा जाता है, आत्मज्ञान की मोती पा जाता है। कौन? जिसके जीवन में बुद्धि है, सद्बुद्धि, विवेकवती बुद्धि, वो डूब जाता है आत्मज्ञान में और आत्मज्ञान की मोती उसको मिल जाता है। इसको कौन नहीं जानता है? बाचत भेद वेद नहीं जाने, बड़े बड़े पोथी पंडित धारी भी इसका भेद को, वेदों को बांसते बांसते थक जाएगा लेकिन जानेगा नहीं, वो बातों में रहत अटका, बातों में ही अटक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन जिसकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि हो गई है, वही आत्मज्ञान के गोता लगा करके, ज्ञान के सागर में आत्मज्ञान के गोता लगा करके डूबेगा, वही मोती पाएगा, मुक्ति पाएगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर सुनो भाई साधु, सुई नख में जगत अटका, हम कहां फंस गए हैं? ये जगत के नख में,
सुई का छेद बिल्कुल बारीक होता है, बारीक होता है, उसमें धागा डाला जाता है, लेकिन संसार के प्राणी हैं उसमें फंस गए हैं। ये सुई का नख क्या है? ये माया है, प्राणी और पदार्थ, इसी को हम सत्य मान करके इसी में पड़े हैं रात दिन। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सुई नख में जगत के प्राणी अटके हुए। इसलिए सोचो, चिंतन करो, विचार करो, सत्संग किस लिए है? हर महीना यहाँ सत्संग होता है, सत्संग किस लिए किया जाता है? कोई ना कोई तो अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले, सत्संग इसीलिए होता है, भाव बंधन से बचने के लिए, भाव बंधन से छूटने के लिए सत्संग की जरूरत है। हम सब सत्संग में आए हैं, और आप सबको जानकारी दे देता हूं, ये सितंबर महीना में हर साल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का सत्संग जब से आश्रम बना है तब से चले आ रहा है, और इस वर्ष भी 21 दिन का सत्संग है, 21 दिन का। और जो भक्त सज्जन चाहे यहां ही रह करके, उसके लिए सघन सत्संग है। बीजक चिंतन शिविर, बीजक चिंतन शिविर उस सत्संग के नाम दिया जा रहा है, बीजक चिंतन शिविर। सुबह ध्यान होगा, 9 बजे के बाद सत्संग 2 घंटा 3 घंटा का होगा बीजक चिंतन पर। शाम को 3 बजे से फिर सत्संग होगा, रात्रि में भी प्रश्नोत्तर चलेगा, और संत आएंगे और यहाँ होगा, यहाँ पर जगह न रहेगा तो वहाँ होगा, साथ साथ योगाचार्य भी आएगा। योगाचार्य इस क्षेत्र के जो भी गृहस्थ नर नारी चाहे, चाहे वो व्यावसायिक हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, वो यहाँ पर योगाचार्य भी आएगा दुर्ग से, उनके द्वारा रोज प्रातः योग पर आप सब प्रशिक्षण कर सकते हैं। बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए अलग से समय दिया जाएगा योग पर। तो इस प्रकार से 21 दिन का 29 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा, 29 सितंबर से 19 अक्टूबर को समाप्त होगी। इसलिए आप सब जो चाहें यहाँ रह करके, अपने घर से आ जा करके, एक टाइम के सत्संग, दोनों समय के सत्संग, तीनों समय के सत्संग, यहाँ रह करके जल भोजन भी ग्रहण करके यहाँ ही रह सकते हैं, आप सघन लाभ ले सकते हैं, सघन लाभ। जैसे बारिश होती है सावन और भादों में, सघन बारिश होती है, उसी प्रकार से ज्ञान की बारिश चलेगी। वर्षा तो नहीं हो रही है, भादो लग गया, फिर भी किसान नहर पानी के सहारा ले रहा है, पानी नहीं बरस रहा है तो, लेकिन वह सत्संग होगा और आप सब ही उसके आयोजक ही बनेंगे। हम लोग कुछ, हम तो माध्यम है केवल, इसलिए उसमें भी आप सब आकर के सत्संग से लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी का सत्संग यहीं पर विराम, उसके बाद भोजन। आज के सत्संग में मुख्य आयोजक है ललिता देवी,